गिरीश शर्मा प्रणाम करतनी। बहुत बढ़िया लागत बा, बहुत बढ़िया फिल्म कर्मी बनल बा रतन राहा जी एक डायरेक्टर बारन, हमारे करण डोगरा जी गांधी जी एक प्रोड्यूसर बारन, बहुत बढ़िया फिल्म बनल बा। ये फिल्म में हाँ हो गया, हमारे लक्ष्य बाबू हीरो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप लोग पूरा दर्शकन भाई लोग देखें, बहुत बढ़िया ये काम कैले बारन। इतफाक से इस फिल्म में हम इनके पिताजी के किरदार में बनी, ये एक नेक बेटा बारन, बहुत बढ़िया ये काम कैले बारन। रितेश पांडे जी भी मुख्य भूमिका में है, संजय है, अयाज खान है, प्रियंका पंडित जी हैं। इस ढंग से फिल्म के ताना बाना अच्छे अच्छे कलाकारों के बीच में फूल गई। इतने सारे बड़े बड़े स्टारों के साथ वो ना कर रहे हैं, पहला स्टेज होगा, मैं आपको काफ़ी बहुत नाम दूंगा, बाकी कुछ सब आपके आशीर्वाद से यही है। और इसमें मैंने तेरा एक्सपीरियंस और जवाब से कदर ना करूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और देख रहा हूँ क्या लोग बहुत ही सुना। आपकी किरदार की बात करें, किस तरह किरदार आपने बार और दर्शकों पर, आपकी पहली फिल्म में तो दर्शकों पर कितना कितना प्यार मिलेगा इस किरदार से? किरदार तो काफ़ी ईमानदार दमदार है, पुलिस वाला है, पुलिस वाला है, तो जाहिर सी बात होती है कुछ पॉजिटिव सा इफेक्ट देता है लोगों को, तो बाकी सब तो उस पर डिपेंड करेगा हमको कैसा अच्छा लगता है। जैसे अयाज खान आ गए, अयाज बाबू आया जाइए, एंट्री आइए 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 आइए। पांडे जी और एक अयाज खान जी जो जाना माना चेहरा है, हम इस फिल्म में एक पॉजिटिव किरदार में है, एकदम पॉजिटिव, जो आप सोचें कि नहीं इतना एक अलग ढंग का किरदार है। और विलेन में अयाज बाबू हैं, हमारे भतीजा हैं, हमारा शोषण करते हैं और अंत में मेरे बेटे को ये लोग मार देते हैं और बेटे के मारने के बाद पोती का अपहरण कर लेते हैं, मतलब दादा बनता है, एक अलग ढंग का सेज इसके कारण। फिर हीरो हमारा जो विकरण है और मुझे छुड़ाता है, इस ढंग की कहानियाँ हैं। संजय पांडे भी एक भतीजा है। अब अयाज बाबू बताएंगे आप के बारे में, जो है आज का हमारे जो है पर जो है आज का मैंने इस फिल्म में जो है कैसी बात है, कैसे मिलते हैं, हैप्पीनेस है। आप लोग जानते हैं कि करता हूँ मैं नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव भी करता हूँ लेकिन कम करता हूँ नेगेटिव ज़्यादा करता हूँ। शायद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को या यही रूप है, पसंद आती है और दर्शक को मुझे लगता है कि दोनों रूप में स्वीकार करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आज आप मूवी रोल करते हो पॉजिटिव नेगेटिव सब अच्छा लगता है। लेकिन आज जो है कर्मयुग जो है रिलीज हुई है और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस फिल्म को जो है देखें, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देखें और हम लोग को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और फिल्म बहुत सारे लोग देख सकते हैं, अपने जो है विदेश जी हैं, सुजय जी हैं, विजय जी हैं, अपने जो है सुबह भाई जी हैं, एक्ट्रेस हैं जो है प्रियंका जी हैं, उषा जी हैं, पूरी जो है अच्छी कास्टिंग क्रू है और मेकिंग भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हुई है। प्लीज़ आप लोग इस फिल्म को देखें, ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद। हीरो और विलन ने इसमें क्या ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि दर्शकों को टिकट दिखाने को मिला? देखिए हीरो और विलन का जो है एक्टिंग वही होता है कि हीरो भी किसी चीज़ की पॉजिटिव होती है, विलन की जो सोच होती है नेगेटिव, दोनों के सोच में फर्क होता है। वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कुछ अपने लिए सिर्फ अच्छा करना चाहता है, हीरो जो है समाज के लिए और जो है गाँव के लिए सभी के लिए अच्छा करना चाहता है। बस वही एक लड़ाई है कि जो है अच्छे हुए विलन और जो केमिस्ट्री होती है वो बेसिकली कोई एक चीज़ को लेके होती है, वो लड़की हो या धन दौलत हो। तो आप लोग इस फिल्म में देखिए कि हमारी जो है लड़ाई जो है पैसे के लिए है कि धन दौलत के लिए, मोस्टली जो इंटेंस होता है पैसा सत्ता लड़की, यही तीन चीज़ों पे जो है हमारी जो है जी हमारी क्या मैं कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो भी फिल्म बनती है वर्ल्ड की तरह, तो हीरो और जो विलन का जो है दूरियाँ बढ़ती है इन्हीं लोग का, क्योंकि वो
वो एक पॉजिटिव लेता है, विलन उसको नेगेटिव लेता है और झगड़े का नहीं चीजता है। तो आप मैं दर्शकों को देखिए उनकी फिल्म देखिए फिर पता लगे लगाइए कि आप हीरो और विलन के बीच लड़ाई की होती है। और एक बात मैं और बता दूँ, रितेश पांडे जी की ये फिल्म अभी जितनी आई है 2-4-5 सबसे बड़ी फिल्म है रितेश पांडे जी की। और एक फिल्म मैं तो उनकी और फिल्म में देखा हूँ और फिल्म में उनके साथ किया, सबसे अच्छी फिल्म होगी ये मैं दावे के साथ करता हूँ। लक्ष्य का तो खैर जवाब ही नहीं है, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, बढ़िया काम किया है, इस से सब लोगों का काम अच्छा है। अब आप लोग मीडिया वाले इसका प्रचार करें, हम यही अनुरोध करेंगे, दर्शकों से अनुरोध है कि आइए एक बार देखें और प्रोत्साहित करें। रितेश पांडे जी की अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, रितेश जी की भी फिल्म है, लक्ष्य जी की फिल्म है, फिल्म चले हमें ही भगवान से दुआ। बालेश्वर बाबू आ रहा है, हाँ बालेश्वर जी आइए, हमने अपनी आज रिलीज हो रही है तो खुश है, अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिले और भाई जो है बहुत आगे जाए। लक्ष्य के साथ हम लोग दूसरी फिल्म की कर रहा है, कब्जा में जाते फिल्म है जिसमें मैं हूँ और पाप और अच्छा मैं बहुत शुरू हो सकता हूँ मैंने बोला कि अब तक ना कुछ जाना था, बस आज गेस्ट हमने बुलाया अगली इनकी प्रोडक्शन की दूसरी बालेश्वर जी के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे कर्मी के प्रीमियर में आए और हम लोगों को बधाई दिए, इसलिए बालेश्वर बाबू को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार और 2019 नए साल में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है कर्मयुग और इनके इस पिक्चर के जो हीरो हैं हमारे लक्ष्य डोगरा जी, ये आपसे कुछ बात करेंगे इस शुभ अवसर पे। आज प्रीमियर है हमारे मूवी स्टार जोगेश्वरी मुंबई में, तो इनसे कुछ बोलिए सर। सर बोलिए आप बताइए सर। नहीं बहुत होनहार लड़के हैं और एक ही बार में ज़्यादा हमें ये नहीं किए, रीटेक नहीं किए हैं और बहुत समझदार हैं, अच्छे कलाकार हैं, पहले से तैयारी थी इनकी एक्टिंग की और बहुत ही आगे जाके ये बहुत स्टार बनेंगे भोजपुरी के, ये हमें पूरा यकीन है। और कर्मयुग की कहानी किस तरह और दर्शकों को कितना रुबा पाएगी कहानी? देखिए एंटरटेनमेंट फिल्म है पूरा, मतलब मार धाड़ ड्रामा रोमांस हर चीज़ है इसमें, जैसे कि फिल्में चलती हैं लोगों को दर्शकों को पसंद होती है उससे से ही हमने बनाई है। फिल्म की शूटिंग की बात करें किस किस लोकेशन में शूटिंग की गई है? जी हमने गुजरात में शूटिंग की है राजपिपला में। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी पहली फिल्म थी, कितने आपको कोई मन में लगा जैसा आपका हाथ हुआ सिलेक्ट करने के बाद कैमरा लो कि आपने स्टोरी सुनी तो आपको क्या लगा आप इस किरदार को साफ कभी निभा पाएंगे? पहली बात तो जब लक्ष्य लुक से सर याद है सर सुना कि मुझे एक्टिंग करने वाली है तो आप ये बात सुनकर मैं पहले और पहले डर गया ठीक है कैसे कैसे हिम्मत जुटाई कैरेक्टर को समझा स्क्रिप्ट को समझा गेटअप लिया जो भी है
सब समझ के लिए आज कैसे कैमरे के सामने आया फिर और टाइम लगा फर्स्ट टाइम मिला बट रतन सर थे हिम्मत देने के लिए तो उन्होंने बोला कर सकता है ऐसा नहीं है यार थोड़ा कॉन्फिडेंस रख कैमरे को देख कैमरा समझ लोग समझ फीलिंग्स ले सब समझ में आ जाती है थैंक यू मैं बुरी पिक्चर शूट कर अभी एक कब्जा है अभी और एक कड़ी और एक है उसका मतलब आपका टाइटल भी मतलब बैक टू बैक का मूवी के लिए तैयार है हां प्लानिंग हो रही है और इस फिल्म में जब आपने इस किरदार को निभा रहे थे तो आप क्या रहे कि आपको थोड़ा सा मूवी होने के बाद आज आप देखने पहुंचने से कितनी खुशी हुई खुशी तो बहुत है सही तरह से खुशी तो आए जाने से फैमिली और फ्रेंड्स भी होते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं मूवी देखने के लिए आपको जी सर मैं तो अंकल है मामान दो है मेरे दोस्त लोग हैं और आ रहे हैं आई होप कि पूरा डेढ़ बज जाएगा फिल्म कैसे मिली आपको सर यहाँ देखिए कैसे मिली भाई नाइस क्वेश्चन क्या है कि नहीं सर से सर से हाँ सर से इसका जवाब देना नहीं नहीं मैंने ही सेलेक्ट किया मैंने सेलेक्ट किया मैंने बोला था छोटा सा इन्हें बोला था एक छोटा सा मुझे एक क्या बोलते हैं रोल दिया बोला ये छोटा सा स्टेट है लेकर करके दिखाया तो आगे क्या लग रहा है किस तरह के किरदार को निभाने में सक्षम है अरे दिखाई नहीं दे रहा एक मिनट पे कर रखे हर तरह के किरदार निभाने में सक्षम है ड्रामा एंड एक्शन एक्शन में तो जबरदस्त और नितेश पांडे हमारे इनके साथ सर सर से सीधा देख रहे सर कैमरे में और कैमरे में देख रहे हैं अच्छी बनी है नितेश पांडे हमारे इनकी और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है एक्शन में नए नए थे काफ़ी हौसला बढ़ाया मैंने और मैंने ही कास्ट किया था एक दो बार हमने देखा था आप तो आंगुलियां सबको दिखाइए नहीं दे रहे फिल्मों में तो दिखाई देना चाहिए ये और एक्शन हीरो के लिए मतलब दिखाई दे रहा है हां दे रहा है हां आ जाओ या इंडस्ट्री में तो मैंने ले लिया अरे हां सुनो सुनो मगा रहे क्या हुआ है चुप पहली तो मेरी पहली पिक्चर है और ये पिक्चर के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा ड्रामा मिलेगा एक्शन मिलेगा एकदम टॉप स्टोरी है देख पर देखते जैसी पिक्चर है और इसमें पूरा एक लास्ट तक आप कभी बोर नहीं करेंगे सर कैमरा लुकिंग अच्छा परफॉर्मेंस दिया कोऑपरेट किया आगे भी मैं उनके साथ चलूँगा तो पहली मूवी है आगे और भी मूवी की तैयारी है या चालू है तैयारी चालू है आगे अगली कोई भोजपुरी पिक्चर है और एक हिंदी पिक्चर है मेरा फेवरेट है आपका फेवरेट खिलाड़ी नहीं नया जनरेशन है तो नया कुछ सीखने को मिलता है और किसी खुशी या पेरेंट्स के लिए आज ये सब लोग देखने पहुंचे हैं बहुत खुशी है कितने लोगों की बधाई आई है अभी तक तो कभी भी चालू हो गए आएगी थैंक यू जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भोजपुरी में एक्शन जो है ये एक ट्रेंड है तो सब्जेक्ट को हम लोग ने इस फिल्म में मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि फैमिली बैकग्राउंड भी मिल जाए एक्शन भी मिल जाए रोमांटिक भी हो जाए तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाई है तो मेरे हिसाब से भोजपुरी ऑडियंस जो है ये इसको लाइक तो भोजपुरी भोजपुरी में जो एक बातें आती है अश्लीलता के लेकर लोग फिल्में नहीं देखने जा पाते क्योंकि इस फिल्म में कुछ बातें याद में रखा है नहीं नहीं
देखिए ये तो हरिकृष्ण का बोलने का तरीका है, नजरिया। आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदी फिल्म में ऐसे अश्लीलता नहीं है। अभी देखिए आप हिंदी फिल्मों में कुछ, हिंदी फिल्मों में भी ये है कि ये देखो किसिंग शॉट, ये शॉट, ये तो आपको देखने मिलता है। आएगा बंद करो यार, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि भोजपुरी में कुछ इतना ज़्यादा गंदा बताते हैं जो आप उसको अश्लीलता। बाकी ठीक है, सोचने वाले के ऊपर है। हमने फिल्म बनाई है, एक्शन है, रोमांस है, वाइब है, सब कुछ है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है। कुछ नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग सब कुछ रेडी थे। फिल्म राज शुक्ला में शुरू हुई है और वन शुरू कम्प्लीट करके प्रोडक्शन करके जितना हो सके हम लोग दर्शकों के बीच में लाने के लिए। अभी एक्चुअली मैं बिहार रिलीज करना चाहता था, हमारी फिल्म मतलब बिहार बीत चुकी है, मगर वहाँ क्या है अभी ठंडी का और 6 महीना पीछे जाके उसको रिलीज बदले, तो उससे अच्छा था कि भाई हम लोग इसको मुंबई से शुरू करें। देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में भोजपुरी में जिस हिसाब से खेसारी जी है, पवन जी है, या अपने निरहुआ जी है, ये तो मतलब टॉप में है, तो और एक्टिंग में भी अच्छे हैं, तो हम लोग भी ये चाहते थे कि इसमें किसी नए को हम लोग चांस दें। जैसे रितेश पांडे जी वो भारतीय कलाकार है, तीन ये हमारे जो तीन स्टार हैं इनके पीछे अगर नंबर किसी का लगता है तो आज रितेश जी का है। पॉपुलर सिंगर है, उनके गाने आप लोग वेव हुआ या जितने भी भोजपुरी चैनल थे उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा लक्ष्य है, तो लक्ष्य भी जो है ये एक्टिंग में बहुत तगड़ा है। आप इसकी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों का जो कॉम्पोजिशन बैठा है इस फिल्म में, एक जोड़ी के हिसाब में, दो पैर के हिसाब में, मतलब दो हीरो के हिसाब में, ये देखने को मिलता है और मज़ा आएगा पब्लिक को, ऑडियंस को देखने में। पहले तो आप लोगों का प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं शंकर हूँ, सीतामढ़ी में रहने के बाद कास्ट किया है, 4-5 हाँ जी सर जी, क्या हाल है? ठीक है, काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत किया है, चलेगा रूम कितने चाहिए? 10-15 रूम 10-15 आ रहे हैं। ठीक है, दर्शक जो है वही हमारे, ठीक है सर, आगे का साथ होता है, डन डन हमारा पिक्चर स्वीकार और ये मैं सभी दर्शक काम आ गया प्रणाम करता हूँ। चलिए सबसे पहले आप जिन्होंने किरदार निभाया उस कक्ष में, और करण जी ने बहुत ही अच्छा इस फिल्म को आगे बढ़ाया है और इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। मैं यही दुआ करता हूँ माता रानी से कि ये टीम मेरी टीम बड़ी हिट हो, टीम मेरी देंगे, बधाई हो और लक्ष्य भाई को बहुत बधाई हो, रितेश जी को, पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो। रोहित विजुअल लेना है, कहाँ चले गए? सर का भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और लक्ष्य भोजपुरी का फ्यूचर है बहुत अच्छा है, इसने काम की है, मैं तो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट की है और मैंने जब पिक्चर देखा तो मुझे लगा कि हाँ पिक्चर जो है एक साल में अगर कुछ नए लोगों में कुछ अगर बनी है तो यही है बस, और यही सोचकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन इसकी शुरू की। तो लक्ष्य की हर फिल्म में डिस्ट्रीब्यूशन क्या आप लोग जी लक्ष्य की हर फिल्म में डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हो
कोशिश हमारी रहेगी कि उनकी इसकी एक्टिंग से तो हम इसके फैन हो। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर और लक्ष्मी को? ये फिल्म का मैंने ट्रायल शो देखा है, ट्रायल शो में देखा कि सारे जो एक्टर हैं उन्होंने अच्छा किया है। इसका जो रोल है जो उसने इतनी सुंदरता से रोल को निभाया है, उभरते हुए कलाकार है और फिल्म इंडस्ट्री में ये अपना करियर अपना काम जरूर बनाएंगे। जिस हिसाब से इन्होंने ना जवाब है हमारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को पहले मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आया हूँ कर्म युग देखने, हमारे लक्ष्य जी को दिल से शुभकामना है। मैं सारे आगंतुकों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा में। वो आए, मेहनत करें और स्टार बने। वैसे उनके साथ साथ मैं अपकमिंग सुपर स्टार की भी सिनेमा देखने आया हूँ। कर्मयुग के मेन हीरो रितेश पांडे जी, मैं दिल से कहता हूँ आने वाले समय में रितेश पांडे जी आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक अपकमिंग स्टार्स के रूप में आ रहे हैं। टीम के तमाम लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना। मैं आज फिल्म देखने आया हूं, मेरी तरफ से फिल्म के लिए भी ईश्वर से बहुत शुभकामना, अच्छी चले, दर्शकों को पसंद आए, हमारे प्रोड्यूसर खुश हों, टीम के सारे लोग खुश हों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।